Here is the exhibition of science of many classes, stall 33-8. You can explain about robotic sunflower. This works as following that the wire is connected to the motherboard, and the main aim of this instrument is that to detect 20% light in the dark room. The disadvantage of this instrument is more and more power consuming. It can generate electricity up to 98%. When light falls on this sensors, it scatter as an electrons, and electrons generate electricity. Advantage of this, it enables us to use the maximum energy of sunlight. It is a device or instrument that's, that detects sunlight. Natural sunflower. How can you perform in the night? It enables us to use the maximum energy of sunlight. And it also helps us to see the dark up 20% of the light in the dark room, and it also generates 98% electricity in the dark room. It automatically rotates. We don't have to rotate it manually, so it can provide us clear vision in the night. It also stops automatically when there is no light. Suppose that I am attaching a wire to the motherboard. If I am attaching a you can say what in English or Hindi. वायर को मैंने मदरबोर्ड में लगाया तो ये मतलब कि चलना Arduino, है Arduino. पर अगर इसको मैंने मतलब कि अगर मैंने नहीं लगाया तब तो ये नहीं चलेगा, पर अगर मैंने लगाया और अगर इस पर लाइट नहीं पड़ी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर मैंने वायर नहीं भी निकाला तो. You can use electricity is good, sir. So explain about this, how can it used? Sir, this can be used at our homes roof. Sir, हम इसको अपने छत पे लगा सकते हैं. जैसे सर मान सोलर पैनल पर इस तरफ लगा हुआ है, सूरज उस तरफ गया तो वो काम नहीं करेगा. ये घूम ऑटोमेटिकली इट रोटेट कर सकता है. सन को ये फॉलो करेगा. जैसे इसमें लगा है एक एलडीआर सेंसर का ये होता है, जैसे ही उस पर लाइट कोई भी लाइट पड़ेगा तो उसके ऊपर सेट हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है तो फिर वहाँ से बिजली का पास आउट होगा तो ये जो है मदरबोर्ड के अंदर सेंस भेजेगा, फिर बाइनरी में इसका कैलकुलेशन होगा, फिर जो है सर्वो मोटर इसको जिस तरफ मूव हो जाएगा अपने सनफ्लावर जैसे. मान लीजिए बारिश हो गई, अंधेरा हो गया तो ये जो है ना अपने आप डाउन हो जाएगा, जैसे सनफ्लावर अपने आप को बंद कर लेता है नाइट टाइम में, तो वैसे ये भी जो है ना अपने आप को नीचे कर लेगा, मतलब सोलर पैनल को नीचे कर लेगा, सनलाइट ही को डिटेक्ट करता है, अगर नहीं मिलेगा तो तुरंत ही ऑफ हो जाएगा, बंद करके और मुरझा जाता है. वैसे ही अगर इसे सनलाइट नहीं मिली, जैसे अगर मैंने इसमें वायर लगाया और अगर मतलब इसको लाइट कोई डिटेक्ट नहीं किया तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, जैसे ये ऐसा हो जाएगा. ये परमानेंट सोलर पैनल से बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक जगह रहता है, लेकिन ये रोटेट करता है. इसमें एक अच्छा मोटर लगाया जिसका नाम सर्वर मोटर है, और इसमें different types of sensors भी लगे हैं, और ये बहुत आसान है cheaper in making than buying a solar panel. ये cheap है, इसको हम लोगों ने बहुत से बहुत 500 रुपए के अंदर बनाया. आपने? Yes sir. Thank you. Thank you sir.